हेलो, जय माता दी। हम लोग नमकीन बनाते हैं, थोड़ा पोहे से। पोहा मतलब चिवड़ा। ये चिवड़ा, ये नारियल है, कड़ी पत्ता है, हरी मिर्ची है, जीरा और राई है, और ये थोड़े काजू बादाम किशमिश मिक्स करके डाले इसमें। ये मूंगफली है, फिर थोड़ा नमकीन। पहले हम लोग उसको पोहे को डाल देंगे फ्राई। ऐसे ही खाली इसको थोड़ी देर 10-15 मिनट भूनते रहेंगे। 10 मिनट, 5-10 मिनट इसको थोड़ा धीमी आंच में उस साइड भूनते। ये भूनता रहेगा उतने में धीरे धीरे इधर हम उसको थोड़ा इसके लिए तड़का बनाते हैं। ज़्यादा तेल नहीं डालेंगे इसके लिए, हम बिल्कुल थोड़ा डालेंगे। इसको साथ साथ भूनते रहेंगे, धीमी आंच में इसको होने देते हैं। उतने में हम तड़का बनाते हैं। पहले हम थोड़ा सा हींग डाल देते हैं, फिर इसमें राई और जीरा डाल देते हैं। थोड़ा चटक जाए कड़ी पत्ता डाल देते हैं। और हरी मिर्ची डालते हैं, धीमी आंच में करेगी ना तो जीरा जल जाएगा। इसमें मूंगफली डाल देगी, तो थोड़ा मूंगफली को भून लेंगे तो थोड़ा लाल हो जाएगा। मूंगफली होगी, इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे, थोड़ी सी लाल मिर्ची डाल देंगे और नमक डाल देंगे, थोड़ा ही ज़्यादा नहीं डाल। और इसमें काजू बादाम जो रखे हुए हैं वो डाल देंगे, थोड़े से भूनेंगे। और नारियल, सूखा नारियल डाल देंगे। थोड़ा इसको अच्छे से भून देते हैं। इसको थोड़ा क्रिस्पी होने देंगे। हो गया होगा, इसमें हमारा वो चिवड़ा चला जाएगा, पोहा। थोड़ी देर हम इसको पका लेंगे। लास्ट में थोड़ी सी 1 चम्मच चीनी डाल दी, चीनी पाउडर बना के पीसी चीनी। यही हो गया हमारा पोहा, इसको हम निकालते। ये हमारा तैयार हो गया मिक्सचर। ड्राई फ्रूट जो भी आपके पास है, जो जब डालने चाहो, मूँगफली, नारियल और काजू बादाम जो भी है छोटे मोटे, और चिवड़ा डालो। बढ़िया सा मिक्सचर बनाओ, डब्बे में भर के रख दो, कई दिन तक चलेगा।